वहां आज की जरूरत कितनी है, आने वाले 25 साल और 50 साल बाद क्या जरूरत रहेगी, उसकी दृष्टि से कार्य योजना तैयार करने। संगम नगरी के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएं, वो कम से कम आगामी 50 वर्षों को लेकर बनाई जाएं। हम नंबर एक पर प्रयागराज का विकास देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थ स्थलों के विकास के प्रति समर्पित हैं। शहर में बनने वाले रिंग रोड के 5 किलोमीटर तक कोई नई प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे इसका भव्य स्वरूप होगा। ये बातें यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को संगम सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ प्रयागराज हमें मिलकर बनाना है और प्रयागराज को देश का सबसे सुंदर शहर बनाना है। हम लोग प्रयागराज के विकास को पंख कैसे लगे, कैसे 2025 के कुंभ से पहले हम प्रयागराज को पूरे देश में सबसे बढ़िया सजा दें, सबसे बढ़िया संवार दें, सबसे अच्छी सड़कें बना दें, अधिक से अधिक पुल बना दें, गरीबों को अधिक से अधिक गरीब कल्याण की योजनाएं उपलब्ध करा दें, कैसे स्मार्ट सिटी को पूरे देश की स्मार्ट सिटियों में सबसे अच्छी सिटी बना दें, कैसे पूरे शहर को सबसे स्वच्छ शहर बना दें, कैसे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रयागराज में ला दें, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रयाग के अंदर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का काम करें, कैसे भू माफियाओं से जो अवैध रूप से कब्जे हैं उनको खाली करा दें, कैसे गरीब को प्रधानमंत्री आवास मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिला दें, या सारे विषयों को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 7 साल लगभग प्रदेश में और 9.5 साल लगभग देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में हम लोगों ने प्रयागराज को 2014 के पहले भी देखा है, 17 के पहले भी देखा है और आज भी देख रहे हैं, तो हम लोगों ने जमीन और आसमान के बीच के फासले को तय करने का प्रयास किया है। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जो प्रयागवासी स्वप्न देख रहे होंगे उससे अच्छा प्रयागराज बनाएंगे। मैं इसमें इतना ही कहता हूँ कि अभी तो जो कुछ प्रयागराज का विकास देख रहे हैं झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। फाफामऊ की तरफ जिसे कोरोना काल में हमारे विपक्षी दलों के पास उन्होंने बताया कि शहर में अंत्येष्टि के लिए घाटों की कमी है, इसके लिए रसूलाबाद घाट की सड़क का चौड़ीकरण होगा। फाफामऊ में लोग बालू में शव को दबा देते हैं, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही छतनाग अरैल व दारागंज में अंत्येष्टि स्थल का विस्तार होगा। इसकी कमेटी बनाकर जन प्रतिनिधियों से मिलकर आगामी 25 वर्षों तक की कार्य योजना बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयाग में गंगा तट का विशेष महत्व है, गंगा तट को सजाने और उसे भव्य रूप देने का कार्य CDA पेंशन तक होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य से स्टेट लैंड की जमीनों को जो भूमाफिया कब्जा कर लेते थे उस पर लगाम लगेगी, भूमाफियाओं के कब्जे से सारी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चकमार तालाब चारागाह आदि पर कब्जा हो तो उसे खाली कराया जाए, लेकिन गरीबों को छेड़े नहीं, माफियाओं को छोड़े नहीं। इसके साथ ही उन्होंने श्रृंगवेरपुर धाम का जिक्र करते हुए कहा कि समरसता का चित्र वहीं दिखाई देता है, उसका भी भव्य विस्तार होगा। उसका विद्युत बोर्ड शिफ्ट करने, नहीं उसका रोड अभी भी कोई भी चौड़ीकरण चलता है तो यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम होता है, कोई विभाग पीछे है कोई विभाग आगे वो कर रहा होगा, लेकिन कोई दुर्घटना ना होने पावे, विकास का काम लेट भी ना होने पावे, जैसे बक्सी बांध के पुल में हमें देर हो गई तो इस प्रकार की देरी ना हो, इसको ध्यान में रख करके निर्देश दिए। कुंभ को लेकर क्या निर्देश दिए थे आज बैठक? कुंभ को लेकर के एक ही कुंभ की दृष्टि से जितनी भी परियोजनाएं चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की हैं और चाहे वह स्टेट PWD के हैं, चाहे सेतु निगम के हैं, चाहे विकास प्राधिकरण के द्वारा है, चाहे नगर विकास के द्वारा है, चाहे लोक निर्माण विभाग के द्वारा है, वो सारे कार्यों की एक कट ऑफ लाइन तय करें। मैं अक्टूबर महीने प्रतीक्षा करूंगा, नवंबर के महीने में फिर बैठक करूंगा, लेकिन प्रयागराज के जितने आज के निर्देश दिए गए वो सारा मिनट्स नोट किया गया है। अगली बैठक में मैं एक एक बिंदु पर समीक्षा करूंगा और समीक्षा करके कोई विभाग अगर अपने कर्तव्य पालन में लापरवाह पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। अंत में केशव प्रसाद मौर्य ने राजनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा। भारत नंबर एक पर आ रहा है, विपक्ष भ्रम में है, जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। 2024 80 में से 80 उत्तर प्रदेश से देश में 300 पार भाजपा की और 400 पार सीटें रहेंगी, तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री।
सरकार देखिए ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी इस प्रकार के बहुत सारे विपक्ष की ओर से पिटारे से मटेरियल निकलेंगे, लेकिन अगर ये सब पिछड़ों के हितैषी होते, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितैषी होते तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि जब ये सत्ता में थे तो कुछ इनके लिए करते। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। देश के अंदर 12.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया। देश के अंदर 52 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन के खाते खोलने का काम किया। 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि DBT के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया। PM स्वनिधि केवल अकेले प्रयागराज में लगभग 50,000 लोगों को केवल मोदी जी की गारंटी पर आधार कार्ड के आधार पर बैंकों से लोन मिला है। छोटी छोटी अपनी दुकानें चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे नए महापौर बने गणेश केसरवाणी जी की अगुवाई में 1 लाख नए बेंडिंग जोन के बना करके दुकानें बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ गरीब कल्याण की हमारी सरकार काम कर रही, उन लोगों ने काम नहीं किया इसलिए बातें कर रहे हैं, सिगुफे छोड़ रहे हैं, फर्जीगिरी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा ने किया था, भाजपा कर रही है, भाजपा करेगी मोदी जी के नेतृत्व में। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।